मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। इस कायनात में जिस तरफ निगाह दौराएं कुदरत के करिश्मे नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाखों करोड़ों किस्म की मखलूक को इस तरह पैदा किया कि हर मखलूक कुदरत की तखलीक का अजीम शाहकार है, जिनकी तादाद ना तो अकल इंसानी मुकम्मल तौर पर जान सकती है और ना पुर कर सकती है। मखलूक की इसी दुनिया में एक आलम हैवानात भी है, जिसमें तमाम इकसाम के जानवर और कीड़े अपनी अनोखी और अछूती तखलीक के बायस देखने वालों को हैरत में डाल देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शहद की मक्खी के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जिनको आप यकीनन नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, शहद की मक्खी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प, फिक्र अंगेज और हैरत अंगेज है। शहद की मक्खी का ताल्लुक उड़ने वाले हशरातुल अर्स की किस्म से है और भेड़ के खानदान से है। इसे उर्दू में शहद की मक्खी, अरबी में नहल और इंग्लिश में हनी बी कहते हैं, जिससे हासिल होने वाले शीरे को उर्दू में शहद, अरबी में असल और इंग्लिश में हनी कहते हैं। शहद के एक आम छत्ते में कमोबेश 60,000 मक्खियां होती हैं, जिनमें से फकत एक मादा यानी फीमेल खसूसियात की हामिल होती है, यानी सिर्फ एक मक्खी पूरी मादा होती है। इसको मलिका या रानी कहा जाता है। ये पूरे छत्ते की माँ होती है और छत्ते में वही हैसियत रखती है जो बदन में रूह को हासिल है। इसका काम सिर्फ अंडे देना है। 400 या 500 के लगभग नर होते हैं जो ड्रोन कहलाते हैं। ये मुकम्मल तौर पर नखट्टू होते हैं और बाकी हजारों मक्खियाँ वर्कर यानी कारकुन मक्खियाँ कहलाती हैं। ये जिन्स के एतबार से नामुकम्मल मादा होती हैं, क्योंकि इनके बेज़्यादा दानियाँ ना तमाम होती हैं। चुनाचे ये अंडे देने के लायक नहीं होती। बाकी तमाम जिबलतों में वो मोनिस कहलाती हैं। छत्ते का सारा काम यही करती हैं और इस कदर शदीद और अंथक मेहनत करती हैं कि चंद हफ्तों से ज्यादा इनकी जिंदगी दुश्वार होती है। ये कम से कम खाती हैं और बगैर दम लिए बाड़ियां बांट बांट कर छत्ते के इंतजामात में हमातन मसरूफ रहती हैं। कुछ मक्खियां रानी की दासियां होती हैं और जो बवक इसके नाज उठाने, इसको तंगी चोटी से दुरुस्त रखने और इसके फुजलात को साफ करने में मसरूफ रहती हैं। कुछ वो हैं जो छत्ते में बेजा खाने बनाने में लगी रहती हैं, ताकि रानी हर कदम पर नए खाने में अंडे दे सके और हर रोज हजारों की तादाद में अंडे दे, ताकि जून जून कारकुन उड़ते जाएं, नए कारकुन उनकी जगह लेने को मुस्ताद हों और जिंदगी का तसलसल टूटने ना पाए। चुनाचे हर छत्ते का हर कारकुन रानी पर अपनी जान छिड़कता है और क्यों ना हो, वो उनकी मुस्तकबिल की वाहिद अलामत है। छत्ते के अंदर कसरत दहान से बेहद गर्मी हो जाती है। कुछ कारकुन मक्खियाँ मिलजुल कर अपने परों को मुसलसल दम्बिश में रहती हैं, ताकि हवा को गर्दिश देकर दर्जे हरारत को काबिले बर्दाश्त बनाया जा सके। वो इतनी तेजी से हवा को बाहर फेंकती है कि एक जलती हुई शमा को सामने लाया जाए तो बुझ जाए। जब कोई मक्खी थक कर अपनी जगह छोड़ती है तो दूसरी झट से इसकी जगह लेती है और एक कंडीशन के इस अमल को जारी रखती है। कुछ मक्खियाँ आयाओं के फराइज अंजाम देती हैं, यानी मलिका के दिए हुए अंडे को माँ गिजा के खानों में बंद कर देती हैं, हत्ता के बच्चे निकल आते हैं। ये अमर भी बड़ा दिलचस्प है कि हर अंडे में नर, मादा या कारकुन बनने की सलाहियत होती है। अलबत्ता वो खाने जिनमें ये अंडे परवान चढ़ते हैं मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं और हर किस्म के खानों के लिए खुराक भी मुख्तलिफ होती है। जो अंडा कारकुन बेजा खाने में परवरिश पा रहा है, वही अगर नर खाने में होता तो कबीले में एक नखट्टू का इजाफा होता, और अगर शाही बेजा खाने की जीनत बनता तो रानी की सूरत में बरकरार होता। गोया छत्ते की माँ अपनी औलाद को खाम माल अता करती है। ये तो कोई छत्ते की दाखली गहमा गहमी है,
अब जरा बैरून खाने भी चलिए। कुछ कारकुन मक्खियाँ छत्ते के मुंह पर पासबानी करती हैं और किसी गैर मक्खी को अंदर नहीं आने देती, क्योंकि इंसानी मोश्टे की मानंद मक्खियों के मोश्टे में भी अच्छे चोर चक्के सभी पाए जाते हैं। बाज छतों की इखलाकी हालत पस्त होती है, ये शहद बनाने के बजाय दूसरे छतों में नकद जनी को तरजीह देते हैं। हर छत्ते के पासवान इनके मुजरिमों को मार भगाने या डस कर जान से मार डालने के लिए तैयार रहते हैं। चोर चक्कों के साथ साथ कुछ भोले भाले अफराद भी पाए जाते हैं, जो फूलों फलों रस लदे भदे आते हैं, मगर भूल कर दूसरे घर जा निकलते हैं। इस सूरत में छत्ते के संतरी कमाल खुद गर्जी का सबूत देते हैं, यानी ऐसे भोले भाले कारकुन को अंदर आने दिया जाता है ताकि वो अपनी कमाई उन कारकुनों को सुपुर्द कर दें जो छत्ते के अंदर जखीरा साजी में मसरूफ हैं। छत्ते के बाकी हजारों कारकुन उड़कर चम्मच मन भरते हैं और बाज औकात दो या तीन मील तक उड़ते हैं और फलों और फूलों पर गिरते हैं। शहद की मक्खियाँ जो छत्ते बनाती हैं, उनमें 8 किस्म के खाने होते हैं जो मुसल्लत से लेकर 10 खानों तक होते हैं। शहद की मक्खियों के छत्ते में सिर्फ 1-6 खानों वाली शक्ल ऐसी है जिसमें 1 मिलीलीटर का भी खला नहीं होता। शहद की मक्खी के छत्तों में अंडों, शहद, मोम और बच्चों के खाने अलग अलग होते हैं। ख्वातीनों हजरात शहद के एक छोटे चाय के चम्मच में 5,000 फूलों का रस शामिल होता है, जबकि एक बड़े चम्मच में 2,00,000 फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35,00,000 उड़ाने भरती है और 50,000 किलोमीटर का सफर करती है। शहद की मक्खियाँ आमतौर पर 8 कहानसा बनाते हुए सफर करती हैं, लेकिन शहद की तैयारी के दौरान ये मुख्तलिफ अंदाज से सफर करती हैं। इनमें गाइड मक्खियाँ होती हैं जो उनको रास्ता दिखाती हैं और इस तरह ये मीलों का सफर बआसानी तय कर लेती हैं। ये मक्खियाँ बहुत ही मुनासिब अंदाज से एक मोश्टे की सूरत में रहती है और अपनी मलिका की ताबे होती है। शहद की मक्खी रोजाना 15,000 अंडे, जबकि एक सीजन में 25,00,000 अंडे देती है। शहद मादा मक्खियाँ बनाती हैं, जिसके लिए तकरीबन 30,000 की फौज मुकर्रर होती है। फूलों की जेरे नीली में रब्बुल आलमीन ने इनके लिए मिठास और अमृत रस रखा है, जिसमें ये मक्खियाँ अपनी सुई जैसी नन्ही मुन्नी खरतोन को दाखिल करती हैं और रस को अपने शहद के पोटे में भर लेती हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने शहद में ऐसी बेबहा खसूसियात रखी हैं कि जिसको देखकर ना सिर्फ इंसानी अकल दंग रह जाती है, बल्कि साइंस आज इतनी तरक्की और मुतअद्दी तजर्बात करने के बावजूद शहद तैयार करने में नाकाम रही है। शहद को ना सिर्फ खाने के बाद मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि मुख्तलिफ मुमालिक में तो इसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ा को तलाश करने वाली मक्खियाँ सुबह सवेरे रिस्क की तलाश में निकल पड़ती हैं। पहली मक्खी को जैसे ही खुराक का जरिया मिलता है तो वो तेजी से अपने छत्ते के करीब जाकर एक मखसूस अंदाज से अपने जिस्म को हरकत देना शुरू कर देती है। मक्खी के इस अमल के जरिए तमाम मक्खियाँ समझ आती हैं कि ग़िज़ा का जखीरा किस सिमत में मौजूद है और ये जगह छत्ते से कितने फासले पर वाकिया है। शहद की एक खासियत ये भी है कि अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार करे तो फिर ये शहद 1,000 साल भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होता और ना ही इसके जायके में जरा बराबर फर्क आता है, जबकि इस किस्म के शहद में रखी गई कोई चीज भी खराब नहीं होती। शहद की मक्खियों की एक खासियत ये भी है कि ये दूसरे कीड़े मकोड़ों और जानवरों की तरह कभी आपस में नहीं लड़ती, बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनसिब तरीके से रहती हैं। शहद को हजारों बरस से तिब्बी फवायद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी बहुत से मुमालिक में ये रवायत बरकरार है। शहद को गले की खराश दूर करने, बदहजमी दूर करने, गर्मी दूर करने के अलावा दीगर बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मगरबी मुमालिक में तो शहद की मक्खी के डंक से जोड़ों के दर्द और सूजन को भी दूर किया जाता है।
शहद के इस्तेमाल से जिस्मानी चर्बी खत्म हो जाती है और जिस्म इत्तदाल में रहता है। जिस्म के जले हुए किसी हिस्से पर लगाया जाए तो फौरी असर करता है और इन्फेक्शन भी नहीं होता। शहद एक बेहतरीन माउथ वॉश है। इसका इस्तेमाल याददाश्त को तेज करता है। कुदरती शहद ताकतवर होता है और आसानी से हजम हो जाता है। शहद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन और कैल्शियम से भरपूर होता है। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल खून की कमी, दमा, गंजापन, थकावट, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कीड़े का काटना, नींद की कमी, जहनी दबाव और टीबी जैसे अमराज में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। शहद की ये नन्ही मुन्नी मक्खियाँ अल्लाह अजवजल की हदायत से जरा बराबर भी इधर उधर नहीं हटती। इसलिए जो मशरूब वो अशरफुल मखलूकात यानी इंसान के लिए तैयार करती हैं, वो मशरूब ना सिर्फ खुददान की गजाई जरूरियात पूरी करता है बल्कि इंसानों के लिए शिफा का बाइस भी बनता है। मक्खियों की एक जमात आसपास और दूर दराज के इलाकों में शहद के जराए देखकर आती है। शहद के जराए देखकर आने वाली मक्खियाँ मखसूस हरकत के जरिए साथी मक्खियों को रास्ता बताती हैं कि किस सिमत में कितना सफर करना है। शहद की मक्खी जिस रास्ते से गुजरती है वहाँ के फूलों की खुशबू को अपनी याददाश्त में महफूज कर लेती है और अपने पेट में शहद जमा करके इसे याददाश्त के ठिकाने पर पहुंचा देती है। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि जब मक्खियां छत्ते के पास पहुंचती हैं, वहां पर शहद की क्वालिटी चेक करने वाली मक्खियां मौजूद होती हैं। और जो मक्खी कोई मजरे सेहत चीज अपने साथ छत्ते में लेकर जाने की कोशिश करती है तो ये टीम इसके पर तोड़ कर इस मक्खी को नीचे फेंक देती है। इस तरह सिर्फ खालिस शहद ही छत्ते में जमा होता है। इस नेमत खुदावंदी को हम आसानी हासिल करके अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। सिर्फ शहद की मक्खी ही तमाम मक्खियों में अपनी अफादियत और काम में मुनफरिद है। शहद की मक्खियां कॉलोनियों की सूरत में घर बनाकर रहती हैं। एक जगह पर 20,000 से 50,000 तक मक्खियां रहती हैं। इनमें दो किस्म की मक्खियां तन्हाई पसंद होती हैं, एक अंडे देने वाली मक्खी और दूसरी नर मक्खी। शहद की मक्खी का काम शहद पैदा करने के अलावा फूलों के जीनियाती ज़रात को दूसरे पौधों तक मुंतकिल करने का भी काम है। ये जीनियाती ज़रात की खुराक के लिए भी खास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मक्खी की उम्र 6 हफ्ते से 6 माह तक होती है। सिर्फ मलका मक्खी वाहिद होती है जो मौसमी सर्मा के दौरान जिंदा रहती है और बहार आने पर नई कॉलोनी आबाद करना शुरू कर देती है। मलिका का काम सिर्फ अंडे देना होता है। ये एक सीजन में हजारों अंडे देती है। कुछ माहिरीन का अंदाजा है कि इन अंडों की कुल तादाद 2 मिलियन तक हो सकती है, जबकि इनकी देखभाल कारकुन मक्खियाँ ही होती है। दिलचस्प और अजीबोगरीब बात ये है कि मक्खियों के छत्ते में जजा सजा का कानून चलता है। पाकिस्तान में 4 किस्म की डूमना, पहाड़ी, छोटी और यूरोपी मक्खियां पाई जाती हैं। पहली डूमना, पहाड़ी और छोटी मुकामी मक्खियां हैं। सबसे मशहूर शहद की मक्खी मगरबी शहद की मक्खी है, जिसे शहद की पैदावार और फसल के जरगुन के लिए पाला गया है। सिर्फ दूसरी पाली हुई मक्खी मशरकी शहद की मक्खी है, जो जनूबी एशिया में पाई जाती है। शहद की मक्खियों की कुछ दूसरी किस्में शहद पैदा करती हैं और जखीरा करती हैं, जिसमें डंग वाली मक्खियां भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ एब्सटिनेंस के कारकुन ही हकीकी शहद की मक्खियां हैं, जबकि यूरोपीय मक्खियां ऑस्ट्रेलिया से लाई गई हैं। सबसे अच्छी मक्खी यूरोपीय मक्खी होती है, क्योंकि ये दूसरी मक्खियों के मुकाबले में ज्यादा शहद पैदा करती हैं। ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की बनाई गई एक नन्ही सी मखलूक के चंद हकाइक थे। अल्लाह ताला ने इसके अलावा दुनिया में लाखों इकसाम के जानवर पैदा कर रखे हैं, जिनसे शायद नस्ल इंसानी अभी नावाकिफ है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको मक्खियों के शहद बनाने और रहन सहन के इस अंदाज से काफी मालूमात हासिल हुई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेवान।